सी प्लस प्लस में दो तरह की फाइल्स होती हैं। एक फाइल को बोलते हैं टेक्स्ट फाइल्स। ये टेक्स्ट फाइल्स में डेटा जो होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे आप कीबोर्ड पे एंटर करते हो कुछ भी इंफॉर्मेशन तो वो टेक्स्ट होता है। वो टेक्स्ट में आपके ब्लैंक स्पेस आएगा, एंटर की दबाएंगे तो नया न्यू लाइन चला जाएगा, कोई लाइन लंबी होगी कोई छोटी होगी। आप प्रोग्राम जो लिखते हैं जी एडिट में वो टेक्स्ट फाइल होती है। सो एवरी प्रोग्राम विच इज़ डॉट सी पी पी इज़ अ टेक्स्ट फाइल। एवरी प्रोग्राम विच इज़ एंडिंग विद डॉट टी एक्स टी इज़ जनरली अ टेक्स्ट फाइल। अब टेक्स्ट फाइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट इज़ द फीचर ऑफ ए टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल में कैसी इंफॉर्मेशन रहेगी। मान लीजिए आपने कोई डेटा फाइल बनाई, जैसे आपको कुछ तो भी 25 स्टूडेंट्स और उनके रोल नंबर्स दिए हैं, उसका आपको डेटा बनाना है, आप एंटर भी कर सकते हो। आपने प्रोग्राम लिखा कि पहले एन पढ़ो रीड एल, ये प्रोग्राम कोड लिखा है, समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? कोई एक नंबर पढ़ रहे हैं एन, और फिर एन बार हम रोल नंबर और मार्क्स, रोल नंबर्स और मार्क्स पढ़ रहे हैं। अब इस तरीके से अगर लिखा गया तो ऑब्वियसली ये रोल नंबर हमारे रोल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे रोल नंबर में कैरेक्टर डी आता है, तो ये रोल नंबर तो न्यूमरिक होने चाहिए क्योंकि मैं एक ही एलिमेंट पढ़ रहा हूँ, उसका कैरेक्टर एरे नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसके लिए जो डिक्लेरेशन होगा वो कुछ इस टाइप का हो सकता है, इंट एन आई रोल 100 ठीक है। इस तरह के सब मान लो डिक्लेरेशन दिया है कि इंटीजर रोल नंबर है, इंटीजर मार्क्स है, और आपको ये बताया गया प्रॉब्लम है कि भाई कितने स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है, वो हम नंबर देंगे आपको और उसके बाद उतने स्टूडेंट्स के रोल नंबर और मार्क्स देंगे। तो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो आप डेटा कैसे फीड करोगे कंप्यूटर पे? ये प्रोग्राम रन हो रहा है, बताइए कैसे डेटा फीड करेंगे आप? आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या टाइप करेंगे? रोल नंबर एन, तो एन तो नहीं टाइप करोगे आप, उसके कोई वैल्यू दोगे। तो मान लीजिए आपने वैल्यू दे दी 6, उसके बाद आप एंटर दबा देंगे वो 6 चली गई। अब ये पढ़ रहा है आई इक्वल टू 0 के लिए रोल नंबर 0 और मार्क्स 0, तो कोई 4 डिजिट का रोल नंबर मान लेते हैं अपन 1015, और उसको मान लीजिए नंबर मिले हैं 43। तो आप कोई एक या दो ब्लैंक डाल के आप ये टाइप कर देंगे, फिर एंटर दबा देंगे तो वो रोल नंबर और मार्क्स चले गए। फिर अगला स्टूडेंट का रोल नंबर 1016 से 47, 1017 से 52, 1019 से 38, 1020 52, 1021 61। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 ठीक है। ये आप टाइप करेंगे तो डेटा पढ़ लिया जाएगा। अब इसके बाद ये डेटा पढ़ के आपका प्रोग्राम कुछ एनालिसिस करेगा, मान लीजिए एवरेज निकाल रहा है, एवरेज मार्क्स कितने मिले क्लास को, किस तरह से एवरेज निकालेंगे बताएं? हाँ बोलिए। मार्क्स का एवरेज निकालना है तो रोल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो
क्या करेंगे, एवरेज निकाल, पहले सम करेंगे मार्क्स की और उसको एन से डिवाइड करेंगे। तो जाहिर है हमें करना पड़ेगा शुरू में सम इक्वल टू जीरो, फिर उसके बाद एक और लूप बनाना पड़ेगा फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इसमें क्या लिखेंगे हम, सम इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया। और फिर क्या बोलेंगे, एवरेज मान लीजिए एवीजी लिखा, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एन और सी आउट चलेगा ये प्रोग्राम। एवरेज डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब एवरेज अगर आप छः अलग अलग मार्क्स का निकालते हो तो क्या वो इंटीजर आएगा, जरूरी नहीं है, तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, फ्लोट। अब चलेगा ये प्रोग्राम, सम डिफाइन नहीं किया, सम क्या होगा, सम इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे इंटीजर लिख दिया सम, अब चलेगा, चलेगा लेकिन गलत रिजल्ट आएंगे। क्यों गलत रिजल्ट आएंगे बताएं, ये सवाल क्विज में पूछा जा सकता है, ये सब छाप दिया इसके बाद भी रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, ऐसा सवाल पूछा, पढ़िए इसको सब लोग, एक दो लोगों के समझ में आ गया फटाक से उन्होंने कुछ बोल दिया, लेकिन आप लोग सोच के बताएं, सबको समझ में आ गया क्या गलती है इसमें, आप बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। मार्क्स फ्लोट होने चाहिए, मार्क्स फ्लोट होना जरूरी नहीं है क्योंकि मार्क्स तो सब मेरे इंटीजर हैं। अच्छा, इनका कहना एनालाइज करते हैं, ये कह रहे हैं मार्क्स फ्लोट होने चाहिए। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, ये मार्क्स तो सब इंटीजर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंटीजर होंगे, 1,650 स्टूडेंट तो हो नहीं सकते, लेकिन जो एवरेज है वो फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है। तो हमारा दिक्कत ये है कि इसमें से सम इंटीजर है, एन इंटीजर है, लेकिन एवरेज जो है वो इंटीजर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, से मान लीजिए 117 मार्क्स आए टोटल और 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उसका एवरेज आपका बनेगा 11.7, लेकिन आपने 117 को 10 से डिवाइड किया इंटीजर बाय इंटीजर, तो आंसर आ जाएगा 11। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है डिवीजन में। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ। अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको तीन चार अलग अलग चीजें देके कर सकते हैं। कहाँ फ्लोट लगाएंगे, यह लिखने का तरीका समझ लीजिए, कोई इंटीजर होगा उसको आपको टेम्पररी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है, टेम्पररी, इंटीजर इंटीजर ही रहेगा, लेकिन आप C++ को बोलना चाहते कि जो आप वैल्यू लाओगे इंटीजर करके मत ट्रीट करना, उसको फ्लोटिंग पॉइंट बना देना, इसको बोलते हैं कास्टिंग, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। कास्ट होता है ना, मोल्ड होता है, इसमें एक बर्तन बना के उसमें मोम डाल दिया, फिर वो बर्तन हटा लिया तो मोम का कास्ट बन जाता है, तो ये कास्टिंग बोलते हैं, ये इंटीजर नंबर था उसको फ्लोट में कास्ट कर दिया। ये करना जरूरी है क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर ये सम फ्लोट हो गई, एन भले ही इंटीजर हो लेकिन रूल क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट बाय इंटीजर होगा तो इंटीजर अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट। इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, यह भी ठीक है क्योंकि दो ऑपरेंड में से कोई एक फ्लोट होगा तो दूसरा C++ अपने आप कन्वर्ट कर देगा, यह भी सही है। इसको मैं और एक तरीके से भी लिख सकता हूं, अब देखिए मैंने क्या चालूगिरी करी, यहाँ
मैंने जबरदस्ती सम को 1.0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर खाली 1 से मल्टीप्लाई करता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, रिजल्ट इंटीजर हो जाता। लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट है तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू फ्लोट हो गई, तो फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर फिर फ्लोट हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या ये सही है? क्या ये सही है? मैं भाई सम को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने की जगह एन को कन्वर्ट करना चाहता हूं तो रिजल्ट बराबर आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सी प्लस प्लस जो है वो इक्वल प्रायोरिटी के ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट हैंडल करता है। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सेम प्रायोरिटी है, तो सी प्लस प्लस क्या करेगा? पहले डिवीजन हैंडल करेगा। डिवीजन में क्या लिखा है? सम डिवाइडेड बाय एन, सम इंटीजर एन इंटीजर, तो वो 117 बटा 10 को 11 कर देगा और फिर 11 को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करके 1.0 से मल्टीप्लाई करेगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? आप n को फ्लोटिंग पॉइंट इनडायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 1.0 से, तो इस टोटल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा लिखना। इस तरीके से कई कई प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने इतना सब सोचे बगैर खाली ये लिख दिया तो आपकी सारी मेहनत बेकार गई, आपका एवरेज करेक्ट नहीं आएगा। इसलिए एक्सप्रेशन लिखते टाइम ये ख्याल रखना जरूरी है, टू रिमेंबर व्हाट कन्वर्शन आप। एनीवे वी डाइग्रेस अ बिट, लेट अस कम बैक टू आवर ओरिजिनल पॉइंट। व्हाट वाज द ओरिजिनल पॉइंट? ये प्रोग्राम रन करने के लिए आपको डेटा देना पड़ेगा और ये डेटा आप इस तरह से कीबोर्ड पे टाइप करेंगे। अब मान लीजिए आपने ऐसा प्रोग्राम लिखा, ये करेक्ट नहीं लिखा आपने, आपने एवरेज इक्वल टू सम बाय एन आया और आपने रन किया प्रोग्राम, कंपाइल तो हो जाएगा, कोई एरर नहीं है, लेकिन जो एवरेज है वो इंटीजर वैल्यू आएगी। अब आपको डेटा तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप डेटा पढ़ के समझ सकते हैं कि भाई ये इंटीजर एवरेज आना जरा नामुमकिन लगता है, तो कहाँ गड़बड़ है? फिर आप देखोगे इसको कह रहे यहाँ गड़बड़ है, देन यू विल चेंज दिस स्टेटमेंट टू वन ऑफ दी स्टेटमेंट्स, यू विल अगेन कंपाइल, अगेन रन द प्रोग्राम, दिस टाइम अगेन यू विल हैव टू टाइप दिस डेटा। अगर चार बार एरर करी, एरर छोटी होगी करेक्ट करने में, लेकिन हर बार एरर करके जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इतना डेटा देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका डेटा 6 लोग नहीं है, 160 लोग हैं, तो आप कितना समय प्रोग्राम लिखने में और रन करने में स्पेंड करोगे और कितना समय डेटा फीड करने में स्पेंड करो? ये चार बार रन करना पड़ा तो चार बार आप 160 लोगों के रोल नंबर और मार्क्स देंगे। और मान लीजिए CS101 कोर्स हुआ, 500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इसलिए इस तरीके का डेटा जो है कभी भी ऑनलाइन कीबोर्ड से फीड नहीं किया जाता, ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो एक फाइल में आप जी एडिट करके फाइल बना लो और वो फाइल बना के आप अपने प्रोग्राम को बोलो कि भाई ये फाइल से डेटा पढ़ते जाओ। वो कैसे करेंगे? हमने देखा था, आपको याद है, रीडायरेक्शन, इनपुट रीडायरेक्शन कैसे किया जाता है? वो मान लीजिए ये प्रोग्राम है C++ average.cpp, इसके बाद जो कंपाइल हो जाएगा तो आप यहाँ बोलते हैं .slash a.out, याद है? उसके बाद अगर आप लिख देंगे लेस देन, marks.txt, अब ये marks.txt क्या है? तो आपने पहले से बना रखी है एक फाइल और उस फाइल में ये सब आपने टाइप किया हुआ, इसको हम बोल देते हैं marks.txt। और ये जो फाइल हुई ये टेक्स्ट फाइल कहलाती है। देखिए इस टेक्स्ट फाइल में हर लाइन के लेंथ सेम नहीं है, ये छोटी लाइन है इसमें एक ही नंबर, ये बड़ी लाइन है इसमें दो नंबर। किसी को 100 मार्क्स मिले तो 10, इसको यहाँ पे 100 लिखेंगे तो 100 हो जाएगा, ये तो ये एक एक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यानी हर लाइन की लेंथ अलग अलग है इसमें और हर लेंथ में इसमें ब्लैंक है। मान लीजिए आपने चार ब्लैंक छोड़ दी, कहीं एक ब्लैंक छोड़ा
तो भी डेटा तो करेक्ट रहेगा। तो टेक्स्ट फाइल प्रोसेस करने के लिए हमेशा सी इन सी आउट या स्कैन एफ प्रिंट एफ के फंक्शन का सहारा लिया जाता है कि टेक्स्ट आप पढ़ो उस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करके अंदर ले। मान लीजिए इसी तरीके से इसी प्रोग्राम में आप में आपको एक और चीज पढ़ना है, आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स के नाम, और वो एक अलग डेटा दिया हुआ है, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं और इतने ये नाम है उनके, वो डेटा एक अलग फाइल में टाइप किया हुआ। अब वो दो दो फाइल से डेटा कैसे पढ़ोगे आप? रिडायरेक्शन तो एक ही फाइल कर सकते हो, तो कैसे पढ़ोगे दो फाइल से डेटा? नहीं पढ़ सकते, रिडायरेक्शन करके नहीं पढ़ सकते। इसके लिए C++ इजाजत देती है कि आप डेटा फाइल्स में प्रोसेस कर सकते हो। तो आपकी दो फाइल हो, तीन फाइल हो, चार फाइल हो, कितनी भी फाइल्स हो, उन फाइल में से अलग अलग डेटा आप एक ही प्रोग्राम में पढ़ सकते हो। उसके लिए जरूरी यह है कि रीडायरेक्शन के वक्त जैसे आपने फाइल का नाम यहाँ पे दिया था, वैसे तीन चार पाँच जितने भी फाइल्स आपको यूज करना है उनके नाम कहीं तो भी आप प्रोग्राम में लिखें कि भाई मैं ये फाइल ओपन करके इसमें से ये डेटा पढ़ना चाहता हूँ, फिर वो फाइल ओपन करके उसमें से ये डेटा पढ़ना चाहता हूँ, और तीसरी फाइल ओपन करके ये डेटा उसमें लिखना चाहता हूँ। ये सब आप करना चाहेंगे कि नहीं? अब आप प्रोजेक्ट जो करने वाले हैं, देखिए हर एक कोई सिस्टम एक सुडोकू सॉल्वर छोड़ के, चाहे आप एंट्री एग्जिट वाला सिस्टम बनाए, चाहे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाए, चाहे लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाए, हर एक में आपको अलग अलग टाइप का डेटा लगेगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए आपको बुक का डेटा लगेगा, बुक कौन सी है, ऑथर कौन सा है, कब खरीदी गई थी, क्या प्राइस में खरीदी गई थी। आपको स्टूडेंट्स का डेटा लगेगा, रोल नंबर, नेम, हॉस्टल नंबर समथिंग। आपको स्टाफ का डेटा लगेगा, एम्प्लॉय कोड, नेम, एड्रेस। आपको एक इशू का डेटा लगेगा, किसको कौन सी बुक किस तारीख को इशू हुई। अब ये कोई आप एक ही जगह तो नहीं रखेंगे, अलग अलग फाइलों में रखेंगे, उन सब फाइलों में से डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा आपके प्रोग्राम, और उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो इसके लिए जिस तरह से हम इनपुट और आउटपुट हैंडल करते हैं नॉर्मली, हम लोग सी इन और सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं, उससे काम नहीं चलता। जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स करना रहते हैं, जबकि बड़ा डेटा हैंडल करना रहता है, तो हमें ज़्यादा फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो फाइल्स के बारे में ये जो डेटा है, ये जो प्रोग्राम लिखा है, ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसके लिए हम टेक्स्ट फाइल पहले देखते हैं क्या हो। यहाँ मैं दो फाइलों के नाम लिख देता हूँ, मार्क्स डॉट टेक्स्ट है, दूसरा लिखा मैंने नेम्स डॉट टेक्स्ट, यानी इसमें स्टूडेंट के रोल नंबर और नाम लिखें। ओके, ये दोनों फाइलें आप एडिट करके रख देंगे डिस्क में, जी एडिट से फाइल बनाएंगे। दूसरी फाइल किस तरह से बनेगी आप बता सकते हैं? नेम डॉट टी एक्स टी, यह नेम डॉट टी एक्स टी को मास्टर फाइल बोला जाता है। किसी भी डेटा जितना भी आपको सिस्टम में होगा उसमें से कुछ डेटा जो रहता है वो मास्टर डेटा बोला जाता है, क्योंकि उसके अनुसार बाकी डेटा डिफाइन होता है। अब जैसे एग्जाम देने के लिए कोई स्टूडेंट आया तो उसको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट रोल पे तो होना चाहिए इंस्टीट्यूट के, कोई भी आके नहीं बैठ सकता एग्जाम में। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट रहेगी उसको बोलेंगे मास्टर लिस्ट। हो सकता है उनमें से कुछ लोग एग्जाम ना आए हों, लेकिन कभी ना कभी वो एग्जाम देंगे, उनको मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो मास्टर डेटा जो है इसको नेम्स को हम मास्टर डेटा बोले। इसमें जैसे क्या डेटा हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे 160 की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया 500, और 500 स्टूडेंट्स हो गए 1011, लेट अस से आशीष, 1012 स्कॉलिम नीमा, 1013 लेट से फाटक इज ऑल्सो एडमिटेड टू द कोर्स, 1014। अब देखिए 1015, ये देखिए आप फर्क, ये जो डेटा मैंने आर्टिफिशियल लिखा था इसमें 1011 1012 के नाम ही नहीं है, इसका मतलब ये लोग एग्जाम में नहीं बैठे, लेकिन इस लिस्ट में सबके नाम होंगे। अब जैसे आपके सबके नाम ASC वेबसाइट पे है, आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके रोल नंबर के आगे नाम आ जाता है। हो सकता है किसी सेमेस्टर में किसी ने रजिस्टर नहीं किया, फिर भी उसका नाम रहेगा मास्टर लिस्ट।
तो यानी ये जो फाइल हुई है इंपॉर्टेंट फाइल हुई है, मास्टर फाइल, इसमें अगर किसी का रोल नंबर नहीं है तो उसको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। तो गलती से अगर कोई रोल नंबर यहाँ टाइप हो गया जो यहाँ नहीं है, तो आप एरर चेकिंग कर सकते हैं प्रोग्राम में पढ़ते समय कि भाई ये रोल नंबर नहीं होना चाहिए। अभी हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं कि दो दो फाइलें हैं तो दो दो फाइलों से डेटा कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन फाइलों को C++ जो है वो डिस्क में कैसे रखता है। तो ये जो दो फाइलें हैं, ये डिस्क में एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, आपकी होम डायरेक्टरी होगी, उसके अंडर कोई आप बनाएंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी बनाएंगे, उसके अंदर आप ये दो फाइलें रखेंगे। जैसे प्रोग्राम फाइल रखते हैं आप, program1.cpp, program2.cpp, उस तरीके से ये दो फाइलें यानी डिस्क के अंदर जो फाइलें रहती हैं वो, मान लीजिए इतनी जगह में डिस्क में लिखा गया, तो C++ के लिए डिस्क में अगर कोई भी फाइल हो तो उसे हमेशा ट्रीट किया जाता है एज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। बाइट मालूम है आपको, एक बाइट में एक कैरेक्टर आता है। तो चलिए देखते हैं, ये marks.txt फाइल है, इसमें क्या बाइट्स रहेंगे। सबसे पहले मान लीजिए यहां से अगर शुरू होती है फाइल, तो सबसे पहले कौन सी बाइट रहेगी, वन का ASCII कोड रहेगा, वन। फिर उसके बाद वन सिक्स जीरो, सो वन सिक्स जीरो, उसके बाद एंटर की। तो एंटर की को क्या बोलते हैं, क्या सिंबल रहता है उसका, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो यहां पे न्यू लाइन कैरेक्टर है, उसके बाद वन जीरो वन फाइव, उसके बाद ब्लैंक रहेगा। अब हो सकता है एक ब्लैंक हो सकता है दो ब्लैंक हो सकता है तीन ब्लैंक हो, जितने भी आपने उधर टाइप किए उतने यहाँ आएंगे। उसके बाद क्या आएगा, 43, 4, 3, फिर उसके बाद 43 के बाद एंटर, न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाएगा। अरे हमने ऐसा लिखा है, उसके बाद आएगा 1, 0, 1, 6, और इस तरीके से ये कैरेक्टर एक के बाद एक आते चले जाए। जब आप रीडायरेक्ट बोलते हैं फाइल को, तो C++ क्या करता है, इस फाइल को ओपन करता है marks.txt को, और एक एक कैरेक्टर आपके सीइन को देता जाता है, ये कैरेक्टर ले लो, ये कैरेक्टर ले लो। अब सीइन जब आप लिखोगे यहाँ पे, तो खाली एक कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा, वो पूरी एक वैल्यू बढ़ेगा, और जब तक एंटर नहीं आ जाता जब तक पढ़ता रहेगा कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा वो पहले पढ़ लेगा, यहाँ तक बोलेगा अरे एंटर आ गया, अब वैल्यू देख लो क्या है, 160 को कन्वर्ट करके एंड में डाल देगा। फिर उसके बाद फॉर लूप आपका चालू हो जाएगा। फॉर लूप में पहले जो इंस्ट्रक्शन है पढ़ो आप, क्या पढ़ रहे हैं आप, रोल जीरो और मार्क्स जीरो, तो ये पढ़ेगा ये पढ़ेगा ये पढ़ेगा, backslash n तक पढ़ लेगा, और फिर बोलेगा हाँ पहले इसमें जो वैल्यू है वो रोल जीरो है, दूसरी वैल्यू है मार्क्स जीरो। इस तरीके से सीइन स्टेटमेंट जो जो भी कर रहा है, आप इस फाइल के साथ वही करना चाहोगे अगर एक्सप्लिसिटली आप फाइल प्रोसेस कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में, तो ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरी फाइल का डेटा भी पढ़ सकते हैं, इसमें हो सकता है नंबर 500 हो, 1011 हो, आशीष हो, ये नाम दिए। ऐसी फाइल को टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। टेक्स्ट फाइल का एक दो एडवांटेज ऐसा है कि आप उसको खाली कैट फाइल नेम बोलोगे तो टर्मिनल पे पूरे सिंबल्स दिख जाएंगे, वो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते, न्यू लाइन कैरेक्टर, स्पेस कैरेक्टर सब रहते। अब इस फाइल को डिफाइन कैसे किया जाए, ये तो आप समझ गए कि जो फाइल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है। अब फाइल के क्या क्या प्रॉपर्टीज हुए, एक फाइल का नाम होता है, ये नाम क्या है, यहां पर इस नाम को हमेशा एक स्ट्रिंग करके रखते हैं marks.txt, ओके। उसके बाद उसका साइज रहता है, साइज क्या होगा,
उस टोटल फाइल में कितनी बाइट्स है, कितनी बाइट्स हैं, वो कैसे पता चलेगा? आपको पता चलना मुश्किल है, लेकिन आप अगर ls माइनस l कमांड देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो लिस्ट देता है फाइल के नामों की, उसके साथ साथ वो साइज भी बताता है इतने बाइट्स है, उससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम से पता कर सकते। प्रोग्राम के अंदर कैसे पता करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, उसमें एक फीचर है, लेकिन एक साइज होता है विच इज नंबर ऑफ बाइट्स। ये सिंबल है नंबर का, यहां पे ठीक से ले देता हूं। ये फाइल देखिए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, आखिरी तक चली जा रही है। जब आपके 160 लोगों का डेटा कहीं तो भी खत्म हो जाएगा, तो मान लीजिए वो फाइल ऐसे चलती आ गई यहां तक, ओके, और आखिरी में क्या हो जाएगा, उसके लास्ट कैरेक्टर क्या रहेगा, आपका जो एंटर क्या होगा, आप एंटर देंगे लास्ट लाइन के बाद में, तो न्यू लाइन कैरेक्टर होगा आखिरी कैरेक्टर, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होना चाहिए फाइल में, क्योंकि इतने ही आपने टाइप किए थे जी एडिट में, तो ये फाइल यहां खत्म हो गई। अब आप और सोचिए, आपने 160 बोला है और आपने 160 लोगों का डेटा दिया, इसलिए आपका प्रोग्राम ठीक से चल रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई आपको, मेरा असिस्टेंट आपको डेटा देता है, भाई इतने रोल नंबर है, मार्क्स है, उसने गिन के नहीं रखे कितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिए उनका रोल नंबर और मार्क्स लिख दिए, तो आप तो दो चीज कर सकते हो, आप वैसे पूरे के पूरे रोल नंबर मार्क्स टाइप कर दो और ये नंबर लिखो ही नहीं यहां, खाली रोल नंबर मार्क्स, तब क्या होगा, इस फाइल में ये जो पहले 4 बाइट से ये रहेंगे नहीं, ये नहीं रहेंगे, क्योंकि वो नंबर दिया नहीं आपने, सीधा चालू हो गया रोल नंबर मार्क्स, रोल नंबर मार्क्स, रोल नंबर मार्क्स। अब इसका मतलब है आप एन नहीं पढ़ पाओगे, एन दिया नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना तो है डेटा, और वो एरे में पढ़ना है, लेकिन कब तक पढ़ना है आपको मालूम नहीं है, तो क्या चीज करते आना चाहिए आपको, आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन पढ़ते पढ़ते अगर मैं यहां पहुंच गया तो किसी तरह से वो फाइल मुझे बता दे कि भाई मेरा डेटा खत्म हो गया, घर जाओ आप, और वो डिटेक्शन मैं देख के नहीं करूंगा आँख से, प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट होना चाहिए जो पता करेगा कि ये फाइल बंद हो गई, खत्म हो गई। अब इसके लिए C++ जो है एक स्पेशल सिंबल भेजता है, जब आप पढ़ रहे हो सी इन स्टेटमेंट से, ये पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, और अगर फाइल खत्म हो गई पढ़ते पढ़ते, तो वो सी इन स्टेटमेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलती है कि भाई फाइल एंड हो गई है, उसको बोलते हैं एंड ऑफ फाइल, और उसके लिए एक स्पेशल सिंबल जनरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं EOF, EOF यानी एंड ऑफ फाइल, फाइल खत्म हो गई। अब जब फाइल खत्म हो जाएगी तो ये टेस्ट करने के लिए कोई स्टेटमेंट होना जरूरी है आपके प्रोग्राम में, तो किसी भी फाइल प्रोसेसिंग के लिए, टेक्स्ट फाइल प्रोसेसिंग के लिए क्या जानना जरूरी है आपके पास, आपको फाइल का नाम मालूम होना चाहिए, साइज आपको पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको फाइल, यू शुड बी एबल टू ओपन द फाइल, यू शुड बी एबल टू रीड डेटा फ्रॉम और राइट डेटा टू द फाइल। आपको फाइल ओपन करना चाहिए, भाई ये फाइल ओपन करो मुझे यहां से पढ़ना है, दूसरा फाइल पढ़ना आना चाहिए आपको, कैरेक्टर्स पढ़ने आने चाहिए प्रोग्राम में, और फाइनली चेक इफ एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड। एंड ऑफ फाइल अगर हो गया पढ़ते पढ़ते, तो आपको टेस्ट होने की कुछ तो भी फैसिलिटी चाहिए कि कैसे खत्म हो गई फाइल, इसके आगे ना पढ़े। अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाए, मान लीजिए कि आपको पहले एक स्टेटमेंट दिया ओपन माई टेक्स डॉट टी एक्स टी, माई माई मार्क्स डॉट टी एक्स टी, ऐसा कोई एक स्टेटमेंट, तो वो फाइल ओपन हो गई आपकी। फिर आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई सी इन बोलने की जगह
आप ऐसा लिखे, रीड फ्रॉम दिस फाइल, रीड फ्रॉम दिस फाइल, ऐसा अगर आपने लिखना, अगर कोई सुविधा हो आपको तो आप उससे पढ़ लोगे। और तीसरा फैसिलिटी आपको ये चाहिए कि रीड फ्रॉम दिस फाइल करते करते डेटा खत्म हो गया, एंड ऑफ फाइल आ गई, तो किसी तरीके से आपको प्रोग्राम में पता चल जाए। ये तीन चीज हो गई तो आप फाइल हैंडल कर सकते हो। अब इसके लिए दो चीजें चेंज करेंगे। ये जो सी इन, जो सी इन और सी आउट स्टेटमेंट आप लिखते हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट फाइल और स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल के लिए लिखा जाता है। आपको अगर अलग से फाइल हैंडल करना है तो उसके लिए आपको एक नया वेरिएबल डिफाइन करेगा, वो वेरिएबल फाइल टाइप का वेरिएबल होगा, उसको बोलते हैं फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर, पहले फाइल ओपन कैसे किए जाए वो देखते हैं हम। जिस तरह से आप ये डिक्लेयर करते हो इंट एन फ्लोट दिस, आप डिक्लेयर करेंगे फाइल स्टार एफ इन, यानी एक फाइल आपने नाम दे दिया एफ आई एन। हाँ बोलो, एन नहीं लिखेगा तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। हम इस प्रोग्राम जैसे अलग प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसमें हम फाइल को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे, उस फाइल को खोलेंगे, उसमें से डेटा पढ़ेंगे और फिर एवरेज निकालेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है वहां नहीं चलेगा, लेकिन ये प्रोग्राम की जगह हमें जो भी प्रोग्राम लिखना पड़े उसमें ये तो करना ही पड़ेगा हमें कि डेटा पढ़ना पड़ेगा। वो डेटा किस तरह से पढ़ा जाए इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो ये प्रोग्राम वहां नहीं चलेगा, दूसरा कौन सा प्रोग्राम चल सकता, वो देखने के लिए क्या क्या सुविधाएं हमें जरूरी है वो हम देखें। वो हमें क्या सुविधा जरूरी है कि फाइल का नाम हमें मालूम होना चाहिए, फिर प्रोग्राम में हमें फाइल ओपन करते आना चाहिए, फिर उस प्रोग्राम उस फाइल में से डेटा पढ़ते आना चाहिए, और डेटा पढ़ते पढ़ते अगर फाइल खत्म हो गई तो हमें पता चलना चाहिए कि फाइल खत्म हो गई। ये चीजें अगर हो सकती हैं तो हम अलग से प्रोग्राम लिख सकते हैं। वो प्रोग्राम नहीं चलेगा, लेकिन उसकी जगह कौन सा प्रोग्राम चलेगा ये हम देख। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं ओपन करेंगे फाइल को, किस तरह से ओपन करेंगे। तो इसके लिए दो चीजें रहती हैं, ये एक तो स्टार फिन, इसको बोलते हैं फाइल पॉइंटर। ये डिफाइन करना पड़ेगा आपके प्रोग्राम के लिए। एफ इन ये फाइल का नाम हो गया, आप ऐसे कितने भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एफ इन एफ आउट एफ इन वन एफ 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 वन माई फाइल वन, जो भी नाम देना चाहे। ये पॉइंटर का नाम हुआ। इस नाम से, इस नाम का अभी कोई सरोकार नहीं है, ये आपके प्रोग्राम में जैसे वेरिएबल है एन मार्क्स रोल, ये जैसे वेरिएबल है उस तरीके से ये एक और वेरिएबल हो गया। खाली ये वेरिएबल हमेशा पॉइंटर वेरिएबल है। आपको जितनी भी फाइल्स हैंडल करनी है प्रोग्राम में उसमें से हर एक के लिए आपको ऐसा एक नाम देना पड़ेगा इंटरनल ने। ओके, इसके बाद इस फाइल को ओपन करने के लिए एक फंक्शन आता है, उसको बोलते हैं ये नया स्टेटमेंट है, अभी तक हमने देखा नहीं था। इज अ न्यू थिंग दैट वी आर लर्निंग। प्लीज रिमेंबर व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गिव अ नेम फॉर द फाइल, आई हैव टू एसोसिएट दैट नेम विथ मार्क्स डॉट टेक्स्ट एंड ओपन द फाइल फॉर प्रोसेस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने ये दो स्टेटमेंट से करी। एक स्टेटमेंट में हमने एक फाइल का इंटरनल नाम दे दिया जो भी हमें गरज पड़ी, एफ इन बोल दिया यहाँ पे। अब ये एफ इन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं एफ इन क्या है, ये आपका नाम है, लेकिन आप चाहते हैं कि एफ इन नाम के फाइल में से आप डेटा पढ़ेंगे मार्क्स का। तो जब आप आगे जाएंगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा कि भाई जिसे मैं एफ इन बोल रहा हूँ वो असल में मार्क्स डॉट टेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें से फाइल से डेटा पढ़ने वाला हूँ। तो आपके नाम को और डेटा फाइल के एक्चुअल नाम को एसोसिएट करने के लिए ये एक एफ ओपन स्टेट। एफ ओपन स्टेटमेंट में आप तीन चीजें बता रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक मैं एक फाइल ओपन करना चाहता हूं, दूसरा मेरे फाइल का जो नाम है वो एफ इन है, तीसरा
आपके पास जो एक्चुअल फाइल है उसका नाम मार्क्स डॉट टी एक्स टी है, तो इसका मतलब आप इस फाइल को इस नाम से एसोसिएट कर दो। और एडिशनली एक चीज और मैं बता रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये जो लास्ट पैरामीटर लिखा है इसको बोलते हैं मोड पैरामीटर। मैं रीड करना चाहता हूं कि राइट करना चाहता हूं, या आर लिखा है इसका मतलब ये फाइल मैं ओपन करना चाहता हूं डेटा पढ़ने के लिए। अब जाहिर है अगर पढ़ने के लिए मैं कोई फाइल खोल सकता हूं तो लिखने के लिए भी खोल सकता हूं। लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा सोचिए जरा, अंदाज कीजिए। डब्ल्यू लिख दूंगा तो ये राइट हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने एक और फाइल लिखा, यहां पे लिख दी फाइल एफ ओ, और यहां पे लिखा एफ ओपन एफ ओ माय आउटपुट डॉट टी एक्स टी, और यहां पे लिखा डब्ल्यू। अब ये क्या करेगा बताइए मुझे, ये कहेगा कि मेरे एक फाइल का नाम है एफ ओ, उस फाइल को मैं एसोसिएट करना चाहता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम माई आउट डॉट टी एक्स टी से, और ये जो फाइल जो आप ओपन करोगे वो लिखने के लिए ओपन करना, मैं लिखने वाला हूं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, पहले बार जो आपने ये स्टेटमेंट दिया था तो उसने क्या किया होगा, उसने जाके ढूंढा होगा हाँ भाई मार्क्स डॉट टी एक्स टी फाइल है आपके डायरेक्टरी में, वो ओपन करके उसने वो फर्स्ट पॉइंट उसका जो इंटरनल इंडेक्स रहेगा यहाँ पे लाके रख दिया कि यहाँ पे यहाँ से डेटा पढ़ना है जब भी आप इनपुट करोगे तब। लेकिन आउटपुट फाइल के लिए क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटपुट फाइल के लिए क्या करती है बताता हूँ। अगर आपने कोई आउटपुट फाइल खोली ऐसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस नाम की एक फाइल बनाएगी आपके डायरेक्टरी में, उस फाइल का नाम रहेगा माय आउटपुट डॉट टी एक्स टी। वो फाइल नहीं होगी तो फिर नहीं बनाएगी वो फाइल, और उसको ओपन करेगी वहां पे अभी कुछ है ही नहीं तो वो फाइल तो कैसी होगी, खाली एंड ऑफ फाइल होगा वहां पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप डेटा लिखते जाएंगे तो एंड ऑफ फाइल आगे आगे पुश होता चला जाए, तो जितना आप डेटा लिखेंगे जितनी बाइट्स लिखेंगे उतनी बाइट्स उसमें चलती जाए, ठीक है। तो ये राइटिंग के लिए भी आप इस तरह से फाइल खोल सकते, और ये कोई जरूरी नहीं कि आप दो ही फाइल्स खोल, आप यहां पे एफ इन वन एफ इन टू एफ इन थ्री बोला एफ ओपन एफ इन वन मार्क्स डॉट टेक्स्ट आर, एफ ओपन एफ इन टू नेम्स डॉट टेक्स्ट आर, दो फाइल हो गई। अब आपको यह करना है कि जो आप सी इन स्टेटमेंट दे रहे थे उसकी जगह कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको चुनना है जिसमें आप फाइल का नाम बोल सके कि भाई डेटा पढ़ो लेकिन इस फाइल से पढ़ो, ये डेटा इस फाइल से पढ़ो वो डेटा इस फाइल से पढ़ो, ठीक है। अब ये डेटा पढ़ने का एफ इन जो एक तरीका है, उसके अलावा और कौन सा तरीका है आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, एक फंक्शन होता है प्रिंट एफ और स्कैन एफ, स्कैन एफ फंक्शन है। चलिए इसको हम स्कैन एफ में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम वापस उस प्रोग्राम पे गए, स्कैन एफ में कैसे लिखेंगे, बताइए। परसेंट डी फिर एक ब्लैंक फिर परसेंट डी, हो गई स्ट्रिंग खत्म। कॉमा कॉमा बराबर, इससे पढ़ लेगा रोल नंबर और मार्क्स। यहां पे फाइल का स्कैन एफ है, मैं कीबोर्ड पे डेटा एंटर कर रहा हूं, स्कैन एफ में कोई फाइल का नाम नहीं रहता, स्कैन फॉर्मेटेड स्कैन ये मतलब है। इसमें दो चीज रह गई, या आप लाइन बंद करने वाले हैं एंड ऑफ लाइन नहीं बोले आप कहीं पे भी, क्या जरूरी है बैक स्लैश एन देना, या अपने आप स्कैन एफ जो है एंड ऑफ लाइन तक पढ़ लेगा, ये मैं सवाल करके छोड़ता हूँ, आप किताब में पढ़ें लैब में ट्राई करें और इस सवाल का जवाब दें, क्या स्कैन एफ में मुझे बैक स्लैश एन यहाँ लिखना जरूरी है, या नहीं भी लिखूँ तो स्कैन एफ फंक्शन जो है एक पूरी लाइन पढ़ेगा और उसमें से दो एलिमेंट्स मुझे दे देगा,
लेकिन scanf जो है वो कीबोर्ड इनपुट से पढ़ता है। उसी तरह cout स्टेटमेंट देखें आप, cout स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप, चलिए printf कैसा लिखेंगे, बताइए प्रिंट एफ डिक्टेट कीजिए, किसको आता है प्रिंट एफ, पहले फॉर्मेटेड स्ट्रिंग रहेगी, एवरेज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखना चाहेंगे ना आप, एवरेज इक्वल टू फिर एक ब्लैंक देंगे आप, फिर उसके बाद परसेंटेज डी चलेगा, डी नहीं चलेगा, F या G देना पड़ेगा क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। उसके बाद आउटपुट में तो आप एक लाइन आगे जाना चाहोगे तो यहाँ पे बैक स्लैश एन देंगे, फिर कॉमा दोगे और जो चीज़ छापना है वो लिखोगे, क्या छापना चाहते हैं आप, ए वी जी, तो यहाँ पे ए वी जी लिख दिया। इज दिस अंडरस्टूड हाउ यू विल डू दैट, एंड देन यू कैन से रिटर्न जीरो एंड एंड, सो दिस इज आवर नॉर्मल प्रोग्राम। अब हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमने ये प्रोग्राम लिखा तो इसमें हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले अपन एंड ऑफ फाइल वाला जो हिसाब है उसको अभी एबेंस में रखते हैं। मान लीजिए एंड ऑफ फाइल कैसे पढ़ना हमें मालूम नहीं, लेकिन फाइल हमने ओपन करी है और जो ये वाला हिसाब है ये वाला रखते हैं हम, यहाँ पे एन दिया है 160 या जो भी लिखा है, यानी ये भी डेटा है यहाँ, तो जाहिर है कि सी इन स्टेटमेंट नहीं चलेगा, इसकी जगह हमको स्कैन एफ लिखना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे यहां पर, हमें एन की वैल्यू पढ़नी है, परसेंटेज नहीं, डबल कोट पहले, फिर परसेंट डी कॉमा, गड़बड़ झाला हो गया, नहीं चलेगा प्रोग्राम। देखिए scanf स्टेटमेंट में जब भी आप डेटा पढ़ते हैं तो आप चाहते हैं कि जो भी आपने पैरामीटर भेजे हैं उनमें वैल्यू वापस आ जाए। ये n पैरामीटर आपने भेजा, इस फंक्शन है, ये फंक्शन में कोई भी आप पैरामीटर भेजते हैं तो क्या उसकी वैल्यू चेंज होती है, कब चेंज होती है उसकी वैल्यू, अगर आप उसका पॉइंटर भेजे तो n नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे एंड n लिखना पड़ेगा, एंड एन यानि एन का जो लोकेशन है उसका एड्रेस लेके जाओ वहाँ पे स्कैनएफ के पास, तो उस लोकेशन में वो वैल्यू भर के वापस देगा। हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एरे एलिमेंट है तो एरे एलिमेंट अपने आप वो एड्रेस ले जाता है, लेकिन यहाँ पे भी हम एंड लिख सकते हैं चाहे तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे लिखना जरूर। इस तरह से स्कैनएफ फंक्शन में आपने पहले सब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट लिख दिए, अब आपने ये फाइल खोली है, अब इसको आप यही प्रोग्राम आप मॉडिफाई करना चाहते हो, लेकिन आप प्रोग्राम में लिखना चाहते हो कि भाई जो मेरा डेटा है वो कीबोर्ड से नहीं पढ़ूंगा, मैं इनपुट रिडायरेक्शन भी नहीं करूंगा, मैंने मेरे को जो चाहिए वो फाइल खोल रखी है यहाँ पे, उस फाइल में से मैं डेटा पढ़ना चाहता हूँ। और उसके लिए टेक्स्ट फाइल पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि जो आपने स्कैन एफ फंक्शन लिखा है उसकी जगह पे एफ स्कैन एफ, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं यहां पर और इसकी जगह मैं एक नया फंक्शन लिखता हूं एफ स्कैन एफ। देखिए बिल्कुल स्कैन एफ जैसे ही फंक्शन है, स्कैन एफ बोलने से कीबोर्ड से डेटा पढ़ो और एफ स्कैन एफ बोलने से मैं बताऊंगा उस फाइल में से डेटा पढ़ो। बाकी सब स्टेटमेंट का सिंटैक्स बिल्कुल वैसे के वैसे रहेगा, खाली यहां पर फाइल ने मुझे ऐड करना पड़ेगा और वो नया पहला पैरामीटर होगा। तो इसके जहां जो अपन स्ट्रिंग लिखते थे उसकी जगह पे फाइल नेम लिखना पड़ेगा, क्या फाइल नेम लिखे हम, मार्क्स डॉट टेक्स्ट लिखे। देखिए ये बहुत आपको जानना जरूरी है, मार्क्स डॉट टेक्स्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल का नाम है, प्रोग्राम में उस फाइल का नाम क्या है, एफ इन आपने दिया है, कुछ भी दे सकते हैं आप, अब रखा जैसे आप वेरिएबल नाम डिफाइन करते हैं वैसे फाइल पॉइंटर भी डिफाइन कर सकते हैं,
लेकिन अगर आपने एफ इन नाम दिया है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एफ, उसके बाद एक कॉमा, ये पहला पैरामीटर हो गया, बाकी सब पैरामीटर्स वैसे के वैसे रहेंगे। ये जो स्टेटमेंट है एफ स्कैन एफ एफ इन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, वो सोचेगी अरे आपको स्कैन एफ नहीं कर रहे हैं, आप फाइल में से पढ़ना चाहते हैं, अच्छा ये फाइल देखेगी एफ इन, क्या खुली हुई फाइल है, हाँ उसको पता चलेगा आपने खोली थी, खोली थी तो किसके साथ एसोसिएट करा था, मार्क्स डॉट टी एक्स, तो मार्क्स डॉट टी एक्स टी में जो डेटा होगा वो यहाँ से पढ़ना शुरू कर, तो पहला कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर बैक बैक स्लैश एन तक सब कैरेक्टर पढ़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे, शुरू में यहाँ रहेगा उसका इंटरनल पॉइंटर, इतना पढ़ने के बाद में वो यहाँ आ जाए, जैसे कीबोर्ड पे आप टाइप करते चले जाते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर पोजीशन रहेगी उस कैरेक्टर पोजीशन पे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप उस फाइल इंडेक्स को आगे बढ़ते जाए, आपको कुछ करने की जरूरत, जितने भी आपने कैरेक्टर्स पढ़े उतने कैरेक्टर आगे खिसक गया आपका इंडेक्स, ये आपने पढ़ लिया यहाँ। अब इसके बाद आपने लूप बनाया फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, यहां पे आप पढ़ना क्या चाहते थे, स्कैन एफ दिस, अब इस स्कैन एफ की जगह आप क्या लिखेंगे आप मुझे बता सकते हैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, बोलिए क्या लिखूंगा मैं, एफ स्कैन एफ फिर एफ इन डबल कोट परसेंट डी एक ब्लैंक परसेंट डी डबल कोट कॉमा रोल आए कॉमा ये जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फिर वो सी प्लस प्लस बोलेगा अरे एफ इन में से पढ़ना है, एफ इन क्या फाइल थी, ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देगा वो मार्क्स डॉट टी एक्स टी फाइल है और पहले ही मैं ओपन कर चुका हूं, तो जहां तक आपने पढ़ा उसके आगे के कैरेक्टर दे दो मुझे, वो अगली लाइन दे देगा एफ स्कैन एफ को, वो पढ़ के उसमें डेटा डाल दे, और ये जो पॉइंटर है ये खिसक के यहां पर चला जाएगा, पॉइंटर नहीं इंडेक्स बोलते हैं उसको, ये सब अपने आप होता जाएगा, जब आप एन पढ़ लोगे तो वो फाइल तो यहां तक आके रुक जाएगी वो, लेकिन आप उसके आगे पढ़ ही नहीं रहे हो, प्रोग्राम आपका ठीक से चल गया, अब आउटपुट जो है वो इस प्रोग्राम में हम टर्मिनल पे लिख रहे हैं, सी आउट बोला था, सी आउट की जगह हम क्या लिखेंगे चलिए बताइए, या प्रिंट एफ की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, इसको कमेंट कर देते हैं यहां पे, तो ये स्टेटमेंट अलग हो गया, अब यहां लिखेंगे हम एफ प्रिंट एफ, इसमें क्या लिखेंगे एफ आउट, हमें अलग फाइल में लिखना है, एफ इन में नहीं लिख सकते, एफ इन तो रीड के लिए खोला गया था, एफ आउट लिखेंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा रिपीट कर देंगे हम, ठीक है, देखिए कितना सिंपल है, खाली एक फाइल को आपने ओपन किया और एफ स्कैन एफ से पढ़ते चले गए, लिखने के लिए आउटपुट फाइल को ओपन किया यहां पे डब्ल्यू लिखा और उसमें लिखते चले गए, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद में आपको साफ सफाई का कुछ काम करना पड़ेगा, क्या साफ सफाई का काम होना चाहिए, आपने फाइल ओपन तो करी है, उसको बंद भी करना आपकी जवाबदारी है, तो जैसे एफ ओपन स्टेटमेंट है इतना सब करने के बाद यहां आके आप लिख देंगे एफ क्लोज फिन सेमीकोलन एफ क्लोज एफ ओ सेमीकोलन, मराठी में इसको मांडव प्रयत्न बोलते हैं, उसका हिसाब रहता है, शादी आदि है तो देखी होंगी आपने, तो शादी के लिए आपने बड़े पिटारे लाए खोले उनमें से साड़ियाँ निकाली खाना निकाला मेहमानों को खाना परोसा ये सब हो गया प्रोग्राम, अब शादी हो गई विदाई हो गई तो अब बाकी सब कटोरे थालियाँ समेट के अलग करोगे कि नहीं, वो जो मंडप मंडप लगाया उसको बंद करोगे कि नहीं, इसी तरह से किसी प्रोग्राम में अगर आपने फाइलें खोली हैं
उनमें से कुछ पढ़ा है, उनमें से कुछ लिखा है, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद में फाइल बंद करना चाहिए आपको। अगर बंद नहीं करी तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेगा नहीं क्या हो रहा है। तो इसलिए ये एफ क्लोज स्टेटमेंट जो है ये एफ ओपन का एग्जैक्ट अपोजिट। पिटारा खोला, उसमें से जो डेटा निकालना था निकाल लिया, बंद करके वापस रख। अब वो डेटा निकाल के गायब नहीं हो जाता उस फाइल में, वो वहीं कर रहे। लेकिन जब आप क्लोज करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरनल इंडेक्स है फिर यहाँ ला के रख देगी, फिर से आपने अगर खोला फिर आप शुरू से पढ़ सकते। उसी तरह आउटपुट फाइल जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ 22 लिखा जाएगा। बताइए क्या लिखा जाएगा उस आउटपुट फाइल में, जो हमने नाम दिया है फाइल माई आउटपुट डॉट टी एक्स टी। ये माई आउटपुट डॉट टी एक्स टी नाम की नई फाइल बन जाएगी आपके डायरेक्टरी में, और उसमें लिखा जाएगा एवरेज इक्वल टू वट एवर 43.8 जो भी है। खाली एक लाइन रहेगी उसमें और कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आप कितनी भी लाइनें लिख सकते थे इस तरीके। बेसिकली समझ गए आप टेक्स्ट फाइल को ओपन कैसे पढ़े, पढ़े कैसे उसमें से डेटा, और उसको बंद कैसे करें। ठीक है, अब दो चीज और मैं खाली उसका इनिशिएशन करता हूँ आपको। वो जो मैंने शीट दी थी उसको फिर से पढ़ना, वो इसके लिए पढ़ना। ये फाइल तो टेक्स्ट फाइल हो गई, इसमें हमने फाइल को ओपन कैसे किया जाए, डेटा कैसे पढ़ा जाए, बंद कैसे किया जाए, आउटपुट फाइल को कैसे ओपन किया जाए, डेटा उसमें कैसे लिखा जाए, उसको बंद कैसे किया जाए। और आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है वो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। अब मान लीजिए आपको दोनों फाइलों में से डेटा पढ़ना है तो क्या करेंगे आप, एक और फाइल डिफाइन कर दें एफ इन वन, फिर कहीं तो भी बोल दें ओपन एफ ओपन एफ इन वन, उसको नाम दे दें नेम्स डॉट टी एक्स टी, और उसको इसी तरीके से पढ़ लें। भले उसमें भी आप पहले एन लिख दिया, 500 लोग हैं, खाली इसमें जो आप पढ़ेंगे वो रोल नंबर के बाद में नाम पढ़ना है। अब ये नाम जो है एक एक कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर किस तरह से, कितने कैरेक्टर पढ़ेंगे आप, तो जो नाम की जो स्ट्रिंग रहेगी वो पूरी स्ट्रिंग पढ़ना है, यानी स्ट्रिंग को आपको एक एरे में लिखना पड़ेगा, या फिर स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिफाइन करना, और वो टू डायमेंशनल एरे हो जाएगी, क्योंकि आपको 500 स्टूडेंट्स चाहिए, हर एक के नाम पढ़ना है, और हर एक के नाम में 10 कैरेक्टर 20 कैरेक्टर 50 कैरेक्टर हो सकते हैं, और ऐसे 500 नाम पढ़ना है। तो खाली फर्क क्या रहेगा, ये पढ़ने में आप जो पढ़ रहे हैं मार्क्स आए की जगह आप लिखेंगे नेम्स आए, और एक और स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे, क्योंकि वो जो एरे है वो पूरी की पूरी पढ़ ली जाए। ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि दूसरी फाइल से डेटा कैसे पढ़ा जाए। एक और चीज, आज की क्लास में हमने ये नहीं समझा है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखिए अभी तक हमने स्टेटमेंट जो लिखे एफ स्कैन एफ, ये तो अज्यूम कर रहा है कि भाई डेटा पूरा का पूरा पढ़ लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहां पे हमने 160 पढ़ा और आपने 16 ही लोगों का डेटा दिया है, तो ये 16 करने के बाद में आए जब 16 हो जाएगा, यानी 0 1 2 3 5 15 तक पढ़ लिए, 15 16 रोल नंबर आपने दे दिए, 17वां दिया नहीं है, तो ये एफ स्कैन एफ क्या करेगा, ये बॉम्ब हो जाएगा स्टेटमेंट। अगर आप कीबोर्ड से डेटा लिखते रहते तो कंप्यूटर बैठा रहता आपकी राह देखते कि आप टाइप करोगे तो आगे दूंगा, लेकिन जब आपने बोला है एक्सप्लिसिटली कि भाई फाइल से पढ़ो तो उसको बैठे रहने को कोई जरूरत ही नहीं, वो यहाँ पे आएगा देखेगा भाई ये तो फाइल एंड हो गई। अब आपने अगर आपने प्रोग्राम में कुछ लिखा नहीं है कि फाइल एंड होने पे क्या करना, तो वो प्रोग्राम पागल हो जाएगा और एग्जिट होकर ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा एरर आ गई, आपके पढ़ते पढ़ते फाइल एंड हो गई, अब मुझे पता नहीं क्या करना, आपने लिखा नहीं। तो ये एक और चीज़ हमने आज नहीं पढ़ी है कि अगर एंड ऑफ फाइल कहीं आ गई तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। एक और चीज़ हमने नहीं पढ़ी है, वो चीज़ हमने क्या नहीं पढ़ी है, हमने ये अश्यूम किया है कि जब हम एफ ओपन बोलेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। किन हालातों में फाइल नहीं ओपन होगी बताइए मुझे, फाइल है नहीं, हमने हम मार्क्स डॉट डेटा लिखने के आर खा गए, हम मार्क्स डॉट डेटा लिखा, उस नाम की कोई फाइल ही नहीं, या हमने मार्क्स डॉट डेटा सही लिखा है लेकिन वो फाइल किसी और डायरेक्टरी में है तो फाइल ओपन नहीं होगी। तो अब हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ एफ ओपन बोल के आगे चले गए। तो इस तरह से ऐसा कोई काम करते हैं कि जो बाहर के वातावरण पे निर्भर है कि हमें पता नहीं कि वो फाइल खुली कि नहीं,
तो कोई एरर चेकिंग होना चाहिए उसके लिए। उसके लिए एरर चेकिंग जो है वो इस तरह से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, ये एफिन जो है एक पॉइंटर, ये पॉइंटर वैलिड पॉइंटर रहता है अगर फाइल खुल गई तो, अगर फाइल नहीं खुली तो ये पॉइंटर नल पॉइंटर होता है, जीरो हो जाती है वैल्यू, मतलब वो पॉइंटर रहेगा ही नहीं। तो ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट आप एफ ओपन कर रहे हो, ये एफ ओपन दो चीजें करता है, एक अगर फाइल हुई तो ओपन कर देता है और एक्चुअल पॉइंटर एफ इन के साथ एसोसिएट कर देता है, लेकिन अगर फाइल किसी तरह से नहीं खुली तो ये एफ इन को जीरो वैल्यू दे देता है, और वो जीरो वैल्यू एफ ओपन की वैल्यू होती है, एफ ओपन जो फंक्शन है वो जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, इफ एफ ओपन दिस 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 इक्वल इक्वल नल, यानी वो पॉइंटर जीरो ही निकला, देन प्रिंट एरर मैसेज सी आउट एरर, वो आप टर्मिनल पे दिखाएंगे कि भाई फाइल खुली नहीं आपकी, और रिटर्न वन करके चले जाएंगे घर, ये एक एरर चेकिंग होता है। अच्छा आप बताइए, आउटपुट फाइल किस हालात में नहीं खुलेगी? इनपुट फाइल तो हो गया, फाइल थी थी, लेकिन आउटपुट फाइल तो होना जरूरी है, मैं तो नहीं निकाल रहा हूं, नहीं बना रहा हूं, तो किस हालात में नहीं बनेगी वो सोचिए। हाँ क्या नहीं होगा? हाँ स्पेस नहीं होगा, आपकी डिस्क पूरी भर गई, डिस्क में जगह नहीं है, सोने को जगह नहीं किसी को, तो ट्रेन से सफर करते होंगे आप, अगर बोगी पूरा खचाखच भरा है आप अंदर नहीं जा सकते, तो आप बोलेंगे ओपन डोर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी गार्ड जो बोलेगा नो डोर ओपन, नो स्पेस। तो उस तरह से इधर भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम वही करता है, अगर ये एफ ओपन नहीं हुआ, अगर हुआ तो एक फाइल खोल देता है और उसके लिए वैलिड पॉइंटर एफ ओ के साथ अटैच कर देता है, तो जब भी आप एफ प्रिंट एफ लिखेंगे तो वो पॉइंटर लेके उसमें डालता जाए। लेकिन अगर किसी कारण से फाइल नहीं खुली तो एफ ओ की वैल्यू जीरो कर देगा वो, ये उसका तरीका है आपको बताने का कि भाई मैं खोल नहीं पाया फाइल। तो जैसे आपने यहाँ इफ स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ भी इफ स्टेटमेंट लिख दे, इफ दिस इज इक्वल इक्वल जीरो, फाइल नहीं खुली घर जाओ। कई कारणों से फाइल नहीं खुल सकती भाई जी, एक कारण आपने सही बताया कि उसमें स्पेस नहीं है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी को पढ़ने की तो परमिशन है, रीड परमिशन है आपके पास, लेकिन राइट परमिशन नहीं है, आप लिख नहीं सकते उस डायरेक्टरी, क्योंकि हर डायरेक्टरी की ऐसे परमिशन रहती है, रीड परमिशन राइट परमिशन, तो कई बार आपको खाली रीड परमिशन रहती है, राइट परमिशन नहीं रहती, ऐसा हुआ तो भी आप नहीं लिख सकते। तो ये अलग अलग दो तीन चीजें हैं जो जिनका ख्याल प्रोफेशनल प्रोग्राम में रखना पड़ता है, आप एक्सरसाइज के लिए प्रोग्राम लिखें, लैब के लिए प्रोग्राम लिखें, कुछ चीजें इनमें से चेक करना भूल भी गए तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक आपकी फाइल नहीं होगी आप ओपन नहीं करोगे उसको। लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट के प्रोग्राम लिखेंगे आप, तो प्रोजेक्ट के प्रोग्राम में अगर आप कोई फाइल यूज कर रहे हैं तो उसको ओपन करने के इमीडिएटली बाद आप चेक करेंगे भाई ओपन हुई कि नहीं हुई, ओपन नहीं हुई तो एरर मैसेज दे दो आप, रुक जाओ, ये चीजें आपको और देखना। अगली बार हम ये सैटरडे को आफ्टरनून को जो क्लास है 2 से 4, उस क्लास में हम फाइल्स जो हैं वो ये ईओएफ किस तरह से हैंडल करते हैं वो देखेंगे, और एक और फाइल का तरीका देखेंगे, उस फाइल को बोलते हैं बाइनरी फाइल्स। ये फाइल बड़े बड़े इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका डेटा होता है रोल नंबर नाम मार्क्स हॉस्टल नंबर रूम नंबर, ये जो डेटा होता है ये टेक्स्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता फाइलों में, ये लिखा जाता है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में एडवांटेज क्या है, नंबर एक उसमें ये बैक स्लैश एन ऐसे नहीं रहते, उसमें रिकॉर्ड रहते हैं फिक्स लेंथ के, इतने 22 का एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, इतने 22 का दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, उतने 22 में कुछ 22 में उसका रोल नंबर होगा, कुछ 22 में नाम होगा, कुछ 22 में फ्लोटिंग पॉइंट मार्क्स होंगे, कुछ बाइट में हॉस्टल नंबर होगा, कुछ बाइट में रूम नंबर होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी
लेकिन वो बिल्कुल प्रिसाइज जगह पे होगी कि इतने बाइट से इतने बाइट तक रोल नंबर है, इतने बाइट से इतने बाइट तक नाम है। अगर नाम किसी का बड़ा छोटा है तो ब्लैंक डाल के बड़ा बराबर कर दें। इतने बाइट से इतने बाइट में मार्क्स लिखें। अब फ्लोटिंग पॉइंट मार्क्स लिखना है तो कितने बाइट लगते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को? 4 बाइट। वो 4 बाइट बाइनरी फाइल में रखे जाएंगे आपके मार्क्स लिखने के लिए, और वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होगी। आप उसको टेक्स्ट एडिट से नहीं देख सकते। जो फ्लोटिंग पॉइंट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होगा वो वहाँ पर लिखा जाएगा। ये सब करने का फ़ायदा क्या है? टेक्स्ट फाइल तो ईजी है। ये सब करने का फ़ायदा ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपकी जो फाइल है ये बाइनरी फाइल अगर है और उसमें आपने लिखा है कि यहां से यहां तक आपका रिकॉर्ड 0 है, फिर यहां से यहां तक आपका रिकॉर्ड 1 है, फिर यहां से यहां तक आपका रिकॉर्ड 2 है, यह रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड 3 क्या बोला है? यह रिकॉर्ड 1 यानी किसी भी चीज की आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, उस चीज के एक रिकॉर्ड को कितनी बाइट्स लगती? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, रोल नंबर, नाम, मार्क्स, हॉस्टल नंबर, रूम नंबर, कुछ और भी अनशन जो भी लिखना है। मान लीजिए उसका जो रिकॉर्ड आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया उसकी साइज आती है 64 बाइट्स, तो ये 64 बाइट्स यहाँ से यहाँ तक लिखी, फिर दूसरे स्टूडेंट का 64 बाइट्स यहाँ से, फिर तीसरे का यहाँ से यहाँ तक लिखी। क्या फ़ायदा हुआ ऐसे लिखने का? मान लीजिए आपको ये पता है कि अमुक अमुक रोल नंबर जो है इसका डेटा जो है वो 21वें पोजीशन पे है, 21 रोल नंबर का, 1021 रोल नंबर का डेटा 21वें पोजीशन पे, तो C++ आपको परमिट करता है कि आप डायरेक्टली वहां पे जाके ये रिकॉर्ड पढ़ लें। देखिए कितनी सुविधा हुई, 5 लाख स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, आपको किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, आपको मालूम है कि वो रिकॉर्ड कहाँ है, लेकिन आप अगर स्कैनएफ से पढ़ेंगे तो आपको एक एक रिकॉर्ड पढ़ते रहना पड़ेगा। और मान लीजिए वो 250,125वां है तो आपको 250,124 रिकॉर्ड पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आप उस रिकॉर्ड तक पहुंचो। लेकिन अगर आपने बाइनरी फाइल डिक्लेयर करी है और फाइल में रिकॉर्ड का साइज फिक्स किया है तो आप C++ में बोल सकते हैं कि डायरेक्टली 225,124वां रिकॉर्ड वहां पर जाओ और वो रिकॉर्ड दे। और ये जो इंडेक्स मूवमेंट जो है वो C++ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए फटाफट करवा देता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता रहता है कि डिस्क में इतना साइज है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो फाइल क्या है, इतने बाइट्स हैं, उसको पता है टोटल कितने बाइट्स हैं। आप उसको बोल दो कि इस बाइट पोजिशन पर चले जाओ तो वो चली जाए। अब हमको ये देखना है कि बाइनरी फाइल के लिए हम पोजिशन कैसे बता सकते हैं उसको, फिर वो पोजीशन बताने के बाद हम ये कैसे बताएं कि भाई यहां से 61 बाइट पढ़ो और ये बाइट पढ़ के ये स्ट्रक्चर में डाल दो। समझ गया? जो आप हम यहां कर रहे हैं वही करना है, लेकिन हम ये करना चाहते हैं कि स्कैनएफ प्रिंटएफ नहीं लिखना चाहते, हम लिखना चाहते हैं कि हम जो बताएंगे उस जगह पे जाओ, वहां से 225 बाइट्स पढ़ के हमें यहां दे दो। अब वो 225 बाइट को इंटरप्रिट कैसे करना है यह हमारा काम है, आपको उसमें दखल देने की जरूरत। यह कब संभव होगा? जब आपने लिखते समय वो फाइल को उस तरीके से लिखा होगा, 60-60-60 बाइट के रिकॉर्ड लिखे होंगे। ये बाइनरी फाइल का सबसे बढ़िया बड़ा एडवांटेज जो है, जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो आपके फाइल सिस्टम से संबंधित हैं, जैसे एंट्री एग्जिट वाला काम करना चाहते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रखना चाहते हैं, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी सिस्टम में जिसमें आप फाइल में डेटा रखना चाहते हैं, उसमें से पढ़ना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं। चेंज कैसे किया जाएगा? मान लीजिए ये इसके मार्क्स हैं 38 और 1019 वाला आदमी क्रिप सेशन में आ गया, बोला कि ये TA ने गड़बड़ किया है, ये करेक्शन ठीक नहीं है, मेरे 2 सवाल उसने जांचे ही नहीं। बाद में पता चला कि नहीं भाई, इसको मार्क्स मिलने चाहिए थे, इसे +6 हो गए। कितने मार्क्स हो गए इसके? 46 हो गए। अब मेरे फाइल में तो लिखा है 36, 46 कैसे चेंज करूंगा मैं? आपकी टेक्स्ट फाइल होती तो आप क्या करते? G-Edit से फाइल खोलते, फिर उसको रोल नंबर देखते, कहाँ लिखा है? 36 लिखा है, वो 36 को आप 42 कर देते या 48 कर देते, तो फिर से उसको सेव करते, यही करते ना। अब मान लीजिए 4 लाख स्टूडेंट्स का डेटा है, कैसे ढूंढोगे आप?
और मान लीजिए ऐसे पांच लोगों के नंबर चेंज करने, मान लो गलती से किसी और रोल नंबर का नाम चेंज कर दिया, मार्क्स चेंज कर दिया, तो यानी एडिट करके चेंज करने में बड़े डेंजरस चीज़ है वो। बड़ा जो डेटा रहता है उसको ऐसे कोई मैन्युअली एडिट करके चेंज नहीं करता है, इसी के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं। और इसी के लिए ये जरूरी है कि जो मेरी फाइल हो वो इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइज हो कि अगर 5 लाख भी स्टूडेंट हुए तो मैं जानता हूँ कि हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है। तो मैं अपने आप उस की को बताऊंगा कि भाई ये 1019 रोल नंबर है, ये मेरे हिसाब से 1200 वाली जगह पे है रिकॉर्ड में, 1200 वाली जगह पे चले जाओ, मेरा हर रिकॉर्ड 60 बाइट का है, यानी किस पोजीशन पे जाऊंगा मैं, 1119 × 60, क्योंकि शुरू का रिकॉर्ड तो 0 ही रिकॉर्ड रहे, तो उतने बाइट पे चले जाओ, तो अपना बराबर पॉइंटर लेके वहाँ पे चला जाए, फिर उसको बोलेंगे यहाँ से 60 बाइट पढ़ो मुझे दे दो, वो 60 बाइट पढ़ के आप उसको अलग हिज्जे पुर्जे आपके वेरिएबल में आ जाएंगे, रोल नंबर नेम मार्क्स, फिर आप उसको डिस्प्ले कराओगे कि ये उसका रोल नंबर है, ये मार्क्स है, फिर आप यूजर से बोलोगे ये मार्क्स कितने चेंज कर लें, तो बोलेगा कि भाई इसके 38 है, इसको 46 कर दो, उसके बाद आपके मेमोरी स्ट्रक्चर में जो मार्क्स है उसमें आप उसको 36 लिखोगे, और फिर वो जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है उसी जगह पे वो कंप्यूटर को बोलोगे, उसी जगह पे जाकर लिखोगे, तो डायरेक्टली उस फाइल में उस जगह पे उतने 60 बाइट फिर से लिखे जाएंगे। ये सुविधा आपको ऑर्डिनरीली नहीं मिल सकती, ये मिलती है डायरेक्ट एक्सेस फाइल से या बाइनरी। तो आज का कंक्लूजन में हम ये कहेंगे, हमने टेक्स्ट फाइल को ओपन कैसे करना, उससे डेटा कैसे पढ़ना, उसमें डेटा लिखना कैसे सीख लिया है, और हमें पता चल गया कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ की जगह अगर हम एफ स्कैनएफ और एफ प्रिंटएफ यूज़ करें तो वी कैन हैंडल द टेक्स्ट फाइल्स। ओनली टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू ओपन द फाइल प्रॉपरली एंड आफ्टर द यूज यू हैव टू क्लोज द फाइल्स प्रॉपरली। द अदर थिंग वी डिस्कस्ड बट वी डिड नॉट इम्प्लीमेंट, दैट इफ द फाइल डज नॉट ओपन इट विल रिटर्न अ 0 पॉइंटर विच वी कैन चेक। ओके, एंड द अदर थिंग विच वी आर नॉट डिस्कस्ड इज सपोज वी आर रीडिंग, व्हाइल रीडिंग इफ द फाइल एंड्स देन हाउ टू हैंडल इट, दैट वी हैव नॉट सीन। ओके फाइन, चलो, थैंक यू।